ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन ने 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की थी। कोर्ट में अपने दावों को सही साबित करने के लिए ईडी ने रेफ्रिजरेटर और स्मार्ट टीवी के बिल को भी सबूत के रूप में पेश किया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने ये रसीदें रांची के 2 डीलरों से प्राप्त की थी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस समय हेमंत ईडी की न्यायिक हिरासत में है। ईडी के मुताबिक उपरोक्त दोनों गैजेट संतोष मुंडा के परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदे गए थे, जिन्होंने एजेंसी को बताया था कि वे भूमि पर 14-15 वर्षों से हेमंत सोरेन की संपत्ति के देखभालकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ईडी ने संतोष मुंडा के बयान का उपयोग वहां किया है जहां पर हेमंत सोरेन ने कहा था कि उनका इस जमीन से कोई संबंध नहीं है। इस मामले में राजकुमार पाहन नाम के एक व्यक्ति का भी नाम सामने आ रहा है, जिसे ईडी ने सिर्फ एक मुखौटा बताया है। एजेंसी ने कहा है कि फरवरी 2017 में मुंडा के बेटे के नाम पर एक रेफ्रिजरेटर खरीदा गया, जबकि उनकी बेटी के नाम पर नवंबर 2022 में एक स्मार्ट टीवी उसी पते पर खरीदा गया, जहां जमीन रांची में स्थित है। ये स्थापित है कि संतोष मुंडा और उनका परिवार इस संपत्ति पर रह रहा था और ये आरोपी व्यक्ति राजकुमार पाहन के कब्जे में नहीं था। राजकुमार पाहन हेमंत सोरेन के मुखौटे के रूप में काम कर रहे हैं ताकि संपत्ति को किसी तरह पाहन और उसके परिवार के सदस्यों के कब्जे में दिखाया जा सके और सोरेन के खिलाफ सबूतों को विफल किया जा सके और अपराध की आय को छुपाया जा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।